दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। UPSC के द्वारा जो परीक्षा कैलेंडर योगी जी को, जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको दिखाने के लिए जो तैयार किया गया था, उनको अपनी इंटरनल जो कैलेंडर था वो जो पूरी पूरी रणनीति थी कि इस प्रकार से हम मतलब रिजल्ट निकाल रहे हैं, इनका मतलब हम परिणाम देने वाले हैं, इसका तुम्हारी ज्वाइनिंग होने वाली है, इस प्रकार से सारी चीज़ उन्होंने दे दी थी। तो इसी में एक भर्ती थी कमांड टेक्निकल की। और देखो, कमांड टेक्निकल की भर्ती का DB बहुत पहले हो चुका है। और ये जो कमांड टेक्निकल की भर्तियां हैं, अब देखो इस प्रकार की भर्ती, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व रहते हैं। अब कमांड टेक्निकल में बहुत सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं, और जहां बहुत सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व रहते हैं, तुम्हारा जो UPSC है परीक्षा परिणाम बनाने में इतना देर कर देता है, और उसे चीज़ क्या है कि उसे समझ ही नहीं आती चीज़ें, क्योंकि ये बहुत भर्ती, बहुत बड़ी भर्ती नहीं है कि कमांड टेक्निकल की बहुत बड़ी भर्ती हो, लेकिन डिपार्टमेंट इतने हैं कि भर्तियां बटी हुई हैं, किसी में 10 वैकेंसी, किसी में 15, किसी में 20, तो इस प्रकार से बना नहीं पाता। और जो बंचेस में भर्ती होती है, जैसे लेखपाल की भर्ती बंचेस में थी, एक ही डिपार्टमेंट से थी, राजस्व परिषद से, तो बना ले जाता। जैसे JEE की भर्ती थी, JEE की भर्ती में इसमें कितना समय लगा दिया, JEE एक जो जूनियर इंजीनियर है एक है, लेकिन उसमें विभाग अलग अलग से अध्याचन आता है, ठीक है, तो उसमें कौन सा विभाग है कौन सा विभाग है, तो इसमें दिक्कत हो जाती है उसको। तो इसी चक्कर में ये कमांड टेक्निकल की भर्ती का जो राजस्व परिषद के सचिव वगैरह हैं, उनके द्वारा ये कहना था कि हमारा कमांड टेक्निकल रिजल्ट हम इसी अगस्त में दे देंगे, अगर ये रिजल्ट तैयार है तो आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा हद होगी तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा आपको देखने को ये सितंबर में। दूसरी बात करते हैं वीडियो में बार बार बताता रहता हूँ आपको, ये 20 तारीख तक, अभी मान लो कि इसका काम लगभग पूरा हो चुका है, जो पहले DB कराया था उसकी फीडिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है, तो इसका जो अब जो 71 स्टूडेंट हैं तो उनको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसकी फीडिंग वगैरह में, और इसके भी जो रिजल्ट है लगभग ये मान के चलिए आप इसी अगस्त में जारी हो सकता है। अगस्त में जारी नहीं होगा तो फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर 100% जारी हो जाएगा, उससे ज़्यादा खींचने वाला नहीं है, क्योंकि 71 छात्र हैं, बहुत ज़्यादा छात्र नहीं है, फीडिंग करने में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा 71 छात्रों को, ठीक है। तो आपके दो रिजल्ट, आपके कमांड टेक्निकल और ये वाला रिजल्ट। अब देखो, बंदरगाह का रिजल्ट आप करें, फीडिंग हो गया, बिल्कुल होगी फीडिंग इसकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दोस्तों बार बार पूछते हो कि बंदरगाह की कट ऑफ क्या जाएगी, अब देखो बंदरगाह की कट ऑफ में आपको बता दूँ कि जिसके भी जिस कट ऑफ गई थी आपकी तुम्हारी DB वाली कट ऑफ से जनरल के अगर 6 से 7 नंबर आपके ज़्यादा हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ, थोड़ा सा कम भी रह सकती है, लेकिन जो सुनने में आया वो यही है, इतना अगर नंबर पाए हुआ आप तो आपका सिलेक्शन श्योर शॉर्ट हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। इसमें वैसे ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन ऐसा हो सकता है सब लोगों के नंबर बढ़िया हों, ऐसा हो सकता है, क्योंकि 1402 लोगों को कॉल किया गया था, 701 वैकेंसी थी, तो इसी प्रकार से ये कट ऑफ बढ़ रही है, और उसका कोई कारण नहीं है कि जो छात्र थे वो सारे के सारे एकदम बढ़िया होंगे, इसीलिए इसकी कट ऑफ बढ़ रही है, अदरवाइज़ कोई इसका कोई अन्य रीज़न नहीं है कि इसकी कट ऑफ ज़्यादा बढ़ रही है, और कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी मिलेगी जब रिजल्ट आएगा। तो इसका भी रिजल्ट दोस्तों 15 सितंबर तक हर हाल में रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, और ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, उनकी तैयारी चल रही है रिजल्टों के बारे में। और एक इसी क्रम में एक आपका रिजल्ट और है, वो है फॉरेस्ट गार्ड का, इस पर काम चलने लगा है ये, इस पर देखो बंदरगाह का फीडिंग हो गई, BDO की फीडिंग हो गई है, और 71 लोग बचे उनकी फीडिंग होनी है, और तुम्हारा कंबाइंड टेक्निकल पे भी काम चल रहा है, और दूसरा फॉरेस्ट गार्ड पे, तो फॉरेस्ट गार्ड का अब काम चल रहा है, तो इस महीने रिजल्ट तो नहीं आएगा, लेकिन मान लो कि आपका सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा ये तुम्हारा फॉरेस्ट गार्ड वाला, और 25 से 30 दिन के भीतर within 1 month आपके ये सारे रिजल्ट जारी हो जाएंगे। और एक रिजल्ट और है आपको मालूम होगा, IT इंस्ट्रक्टर का DB के लिए जो रिजल्ट आना है, वो भी दोस्तों आपका रिजल्ट हो सकता है इसी अगस्त में आपको जारी कर दिया जाए, और आपका DB थोड़ा अक्टूबर में लगा दिया जाए, शिफ्ट कर दिया जाए, तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। और सभी जितने स्टूडेंट हैं, सॉरी उसका तो रिजल्ट आ गया, मतलब IT इंस्ट्रक्टर का फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आपको थोड़ा सा डेली देखने को मिलेगा, समय देखने को मिलेगा, आपका IT इंस्ट्रक्टर का जो फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा लगभग दिसंबर से पहले देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों उसमें लगभग सभी का सिलेक्शन होना है, उसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा माने नहीं रखेगी, लेकिन 4 रिजल्ट इसे बिल्कुल तैयार रहिए, आपको देखने को मिल जाएंगे बहुत जल्दी है। और सितंबर में बिल्कुल अगर 15 सितंबर तक नहीं आए तो कुछ रिजल्ट ऐसा हो सकता है 20 तक आ जाएँ, 25 तक आ जाएँ, लेकिन सितंबर में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब करो, धन्यवाद।